नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जियोग्राफी का यूनिट जो कौन सी चल रही थी, हमारी यूनिट वन चल रही थी, है ना। यूनिट जो हो जाती है यूनिट चल रही थी वन, जिसमें हमने क्या देख रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे देख लिए थे। तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए हर साल, हर ईयर्स आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन तीन में से, तीनों को बहुत ही अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन मैंने किया है, आपको याद कराने की पूरी कोशिश है। अगर आप उन क्वेश्चनों को सिर्फ देख लोगे और सुन लोगे तो आपको सारा के सारा याद हो जाएगा। देखने से और सुनने से आपको सारा के सारा वहाँ पर याद होने वाला है। और अब देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट नंबर वन का सेकेंड। फर्स्ट हमने देख लिया है, अब हम सेकंड को देखने वाले हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आयु के निर्धारण के आधार प्रस्तुत कीजिएगा कि पृथ्वी की जो आयु है, ठीक है, उसे हम किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं, उस प्रकार से उसे आंक सकते हैं, वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं, उनके आधार प्रस्तुत करना है। तो बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। पहले हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी है क्या, पृथ्वी की आयु बता रहा है, पृथ्वी की आयु कितनी है, इसकी उत्पत्ति भूवैज्ञानिक स्वरूप कैसा है, मतलब भूवैज्ञानिक स्वरूप कैसा है, इसकी उत्पत्ति कैसी है, तथा पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास किस प्रकार का रहा है, ये भी देख यहाँ पर हो जाता है। तो वो बना बना कर सारा लिख रखा है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, इसकी उत्पत्ति भूवैज्ञानिक स्वरूप कैसा है, पृथ्वी का बहुत भूवैज्ञानिक इतिहास किस प्रकार का है, तो कितना घुमा फिरा कर वही बात कह रहे हैं। तीन लाइनें उन्होंने वहीं पर बर्बाद कर दी। फिर कह रहा है यह सभी विवाद आज तक में रहा है, अभी तक क्या है, विवाद में है, कोई कन्फर्म नहीं। साक्ष्य रूपी सैलो तथा सैलो से निर्मित जीवाश्मों, ठीक है, बात करते हैं आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति कितनी 6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है, जो ठोस रूप में कितने हैं 4500 बिलियन वर्ष पूर्व आई थी। कैसे, ठोस वर्ष पूर्व में आई थी 4500 बिलियन वर्ष पूर्व। मगर जो हो जाती है पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, ये मानी गई एक प्रकार से आंकी गई कि 6000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। आगे देखते हैं पृथ्वी की आयु के निर्धारण के आधार। देखो आपको दो बातें याद होना चाहिए, 4500 में लिख सकते हैं कि 4500 बिलियन वर्ष पूर्व कट ठोस हो गई, और उससे पहले गैसीय अवस्था में कब थी, 6000 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय अवस्था में रही होगी और ठोस हो गई थी 4500 बिलियन वर्ष पूर्व में, ठीक है, मिलियन वर्ष पूर्व में। अब बात करते हैं, याद रखा है पृथ्वी की आयु के निर्धारण के आधार, ठीक, कौन कौन से इसको देखते हैं। कह रहे अपनी उत्पत्ति के समय पृथ्वी, ठीक, अपनी उत्पत्ति के समय पृथ्वी ज्वलनशील गैसों का समूह था। कैसा था, ज्वलनशील गैसों का समूह था, जो क्रमशः तरल तथा ठोस रूप में परिवर्तित हुई है। आपको हमने बताया था पृथ्वी इस प्रकार से बताई थी, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, मत दे रखे हैं, उनके बारे में बताया गया था अपने हो जाते हैं लॉन्ग वालों में। और जो कोर होती है यहाँ, ये कैसा होता है, ये अपनी हो जाती है द्रव अवस्था में, और जो ऊपरी परत होती है वो कैसे होती है, कठोर अवस्था में होती है, वही कहा गया है कि क्रमशः तरल तथा ठोस रूप में परिवर्तित तो हुई है। पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी अत्यधिक गर्म है, जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाते हैं प्रत्येक 1 किलोमीटर के अनुसार 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती रहती है, अत्यधिक गर्म है। कह रहा है यहाँ पर यद्यपि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास पर पर्याप्त अध्ययन किया जा चुका है, परंतु आज भी पृथ्वी की आयु एवं भूवैज्ञानिक इतिहास रहस्यमय है। जेम्स हट्टन, चार्ल्स लिपेल, लेमार, विलियम स्मिथ और चार्ल्स डार्विन आदि भूवैज्ञानिकों ने जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 3000 करोड़ वर्ष मानी है, परंतु भूवैज्ञानिक तथा सैलो के परीक्षण के आधार पर पृथ्वी की जो आयु है वो कितनी मानी गई है भाई, 4000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। अगर बात करते हैं जो सैले हैं, चट्टाने हैं, उनको अगर आप आंकते हैं तो कितनी है, 4000 पूर्व है। मगर जो अपने वैज्ञानिक वगैरह हो जाते हैं, इन्होंने जीवाश्मों के अनुसार कितनी मानी है, 3000 करोड़ वर्ष, 3 करोड़ वर्ष पूर्व मानी है इनने, 4000 करोड़ वर्ष मानी है। पृथ्वी की आयु संबंधित साक्ष्यों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, इनको देखते हैं या रखा जा सकता है।
फर्स्ट दे रखी है खगोलीय साक्ष्य। तो खगोलीय साक्ष्य के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी बताई गई इसको देखते हैं। खगोलीय साक्ष्य ठीक है, कह रहा है किसी भी तारे के ऊष्मा स्रोत हाइड्रोजन है। किसी भी तारे का जो ऊष्मा स्रोत है वो हाइड्रोजन हेलियम होता है, आपको पता है सूर्य में क्या होता है 71% हाइड्रोजन होती है, बाकी जो बच जाती है वो क्या होती है हेलियम होती है। तो वही रखा है किसी भी तारे में ऊष्मा का स्रोत क्या होता है हाइड्रोजन होता है। सूर्य द्वारा प्रति सेकंड कितना 10^26 ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, 10^26 ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह 10 खरब पाउंड हाइड्रोजन प्रति सेकंड व्यय होती है, कितने 10 खरब पाउंड हाइड्रोजन प्रति सेकंड व्यय होती है सूर्य से। कह रहा है इस प्रकार सूर्य की अपने समस्त हाइड्रोजन की ऊर्जा में परिवर्तन करने में लगभग 5 अरब वर्ष लग सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर परिवर्तित करने में हाइड्रोजन को कितने 5 अरब वर्ष लग सकते हैं। कह रहा है सूर्य द्वारा अभी तक अपनी हाइड्रोजन की सिर्फ कितनी मात्रा 6% मात्र 6% भाग ही ऊर्जा उत्पन्न करने में नष्ट हुआ है। अभी तक 5 अरब वर्ष तक क्या दे सकता है हमें ये ऊर्जा दे सकता है, और 6% भाग क्या हो गया है नष्ट हो चुका है सूर्य का ऊर्जा नष्ट करने में हाइड्रोजन का। बात करते हैं इस प्रकार पृथ्वी की कुल आयु जो है कितनी है 300 करोड़ वर्ष ही है, ये मापा गया है सूर्य के अनुसार हाइड्रोजन को लेकर। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के द्वारा आंका जाए सूर्य में जो हाइड्रोजन है कि भाई 6% हो गया खत्म, 6% कितना हो गया खत्म हो गया, तो 6% जो खत्म हुआ है वो कितने समय में खत्म हुआ है 300 करोड़ वर्ष ही आंकी गई है पृथ्वी की आयु। ठीक है, जो 6% खत्म हो चुका है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, देखा है चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होता है। जब चंद्रमा का आकर्षण होता है तो पृथ्वी पर क्या होता है ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार के कारण पृथ्वी के घूर्णन में बाधा पड़ती है, इससे पृथ्वी के घूर्णन का समय बढ़ता है। पृथ्वी का घूर्णन का समय क्या होगा भाई बढ़ जाएगा जब ज्वार उत्पन्न होगा। फिर कह रहे हैं तुम्हारा ज्वार डार्विन के अनुसार 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष पृथ्वी से दूर हो रहा है। कौन हो रहा है भाई सूर्य जो है वो 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है वो क्या है पृथ्वी से दूर हो रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा को कितना इतना लगभग किलोमीटर दूर, सॉरी चंद्रमा दूर हो रहा है, क्या दूर हो रहा है चंद्रमा दूर हो रहा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष पृथ्वी से कौन दूर हो रहा है चंद्रमा दूर हो रहा है। कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा को 3.86 लाख किलोमीटर दूर जाने में लगभग 400 करोड़ वर्ष का समय लगा होगा। इसका मतलब कितना पहुंच गया है वो पहुंच गया है भाई कितना 3.86 लाख किलोमीटर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से दूर जा चुका है। तो मान सकते हैं कि भाई अनुसार 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जा रहा है तो इतना जो है 3.86 लाख किलोमीटर कब में गया होगा 400 करोड़ वर्ष में गया होगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं चंद्रमा के द्वारा तो 400 करोड़ वर्ष हो जाती है, और यही बात करते हैं जो हाइड्रोजन के द्वारा सूर्य में जो हाइड्रोजन उसका 6% जो खत्म हुआ है उसके अनुसार 300 करोड़ वर्ष मानी गई है। सबने करोड़ वर्ष देखे हैं, ठीक है 300 करोड़ वर्ष यहाँ पर मानी गई है खगोलीय साक्ष्य के अनुसार देखते हैं तब। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस दो ही आपको खगोलीय साक्ष्य में याद करना है, हाइड्रोजन का 6% खत्म हुआ तो 300 करोड़ मानी गई, और चंद्रमा दूर जा रहा है भाई इतना जा रहा है 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और पहुंच कितना गया है 3.86 लाख किलोमीटर दूर, तो कितनी मानी गई है तो आंकी गई है 400 करोड़ वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं अब सेकंड वाले को। सेकंड क्या कह रहा है भूवैज्ञानिक साक्ष्य के अनुसार, जो भूवैज्ञानिक साक्ष्य निकाले हैं उनके अनुसार देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर फैले सागरों महासागरों का जल खारा होता है। कैसा होता है भी खारा होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय समुद्री जल स्वच्छ एवं मीठा होता था। कैसा होता था स्वच्छ और मीठा था, परंतु जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो समुद्र का जल कैसा था भाई मीठा था। फिर कह रहा है परंतु प्रति वर्ष कितना आप देख सकते हो 1.56×10^14 ग्राम नमक की मात्रा नदियों द्वारा स्थल भागों से समुद्री जल में पहुंचाई जाती है। कितनी पहुंचाई जाती है भाई 1.56×10^14 ग्राम नमक की मात्रा नदी द्वारा स्थल भागों से समुद्री जल में पहुंचाई जाती, तथा समुद्रों में लवणों की कुल मात्रा कितनी होगी 1.26×10^12 ग्राम है। कितनी 1.26×10^12 ग्राम है। इस प्रकार इतना नमक नदियों द्वारा समुद्र में लगभग 8 करोड़ वर्ष में लाया जा सका है। ठीक है, इसका मतलब कितना पहुंच गया भाई 1.26 मल्टीप्लाई 10^12
अपना हो जाता है 12 ग्राम। ठीक है, इतना समुद्र के अंदर पहुंच चुका है तो ये कितने वर्ष में पहुंचा होगा? तो भाई 8 करोड़ वर्ष में पहुंचा होगा, इस प्रकार से आंक लिया गया इसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से खारे नमक के अनुसार भी लिख सकते हैं बना बनाकर, कोई बात नहीं। अगर याद नहीं भी है तो भी हम बना बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अगर इतनी वैल्यू याद नहीं भी है एग्जाम में, तब भी हम बनाकर लिख सकते हैं कि समुद्र के अनुसार इस प्रकार से आंकी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू याद नहीं है फिर भी बनाकर हम लिख सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, भूवैज्ञानिक साक्ष्य संभाल के लिखना चाहिए और आगे लिख देना हेडिंग के अनुसार, नमक के अनुसार बस। ठीक है, और बाकी चाहे कुछ भी लिख देना, ये वैल्यू आपको एक प्रकार से ज्यादा नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे, पर्वतों का उत्थान नदियों के अपरदन चक्र में परिवर्तन तथा लबड़ों को समुद्री में लाकर निक्षेपित करने की क्षमता में परिवर्तन आदि के कारण पृथ्वी को कुल आयु जो होगी का अनुमान कितना लगाया गया? भाई 150 करोड़ वर्ष लगाया गया है। अगर नमक के अनुसार बात करते हैं तो कितना लगाया गया है? 150 करोड़ वर्ष लगाया गया है, जो तर्कसंगत नहीं प्रतीत तो होता है। तो बनाकर लिख देना, 200 लिख देना, 150, 300 जो लिखो वो लिख देना इसका। ठीक है, मैंने बता रखा है नमक के अनुसार लिख देना, बस जो चाहो वो लिख सकते हो, तर्कसंगत नहीं है तो अपने अपनी तरफ से बड़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हो। तो बात करते हैं, पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों पर होने वाले अवसाद क्रिया भी पृथ्वी की आयु के, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों में होने वाले जो अवसाद प्राप्त हुए, अवसाद क्रिया जो होती है, भी पृथ्वी की आयु के निर्धारण पर का साक्ष्य माना गया है। इसे देखते हैं, तुम्हारे ऑर्थर होम्स के अनुसार भूपटल पर अवसादों की कुल मोटाई कितनी मापी गई है? 112 किलोमीटर है। अवसादी शैलों की आयु कितनी है? 130 करोड़ वर्ष आंकी गई है। पृथ्वी की आयु इनकी आयु की तुलना में 2 गुनी आंकी गई है। इस प्रकार पृथ्वी की आयु जो है वो 250 से कितनी है? 280 करोड़ वर्ष मानी गई है। अगर बात करते हैं महाद्वीप महासागरों के अवसाद की क्रिया के अनुसार, तो कितनी आंकी गई है भाई? ये आंकी गई है 250 से 280 करोड़ वर्ष होनी चाहिए थी, ये बता रखा है इन्हें। परंतु पर्वतों के उत्थान, अवसादी शैलों का निर्माण प्रक्रिया के आने वाली प्रकृति बाधाएं तथा अपरदन व निक्षेपण की प्रक्रिया में परिवर्तित आदि रखा है, आदि अवसादी शैलों के आधार पर पृथ्वी की आयु का निर्धारण प्रस्तुत अधिक उपयुक्त तो नहीं हो नहीं माना गया, एक प्रकार से कह सकते हैं, या नहीं है। ठीक है, तो ये बना बना कर लिख रखा है और कुछ नहीं है, बस आपको हेडिंग आना चाहिए। यहाँ पर और लिख सकते थे, वहां पर नमक के अनुसार, अवसाद के अनुसार, ठीक है, बना बना कर यहाँ पर लिख सकते थे, बस हेडिंग आपको यहाँ पर आना चाहिए था। और आपको एक बार इसे पढ़ लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। बात करते हैं थर्ड वाले, रेडियो एक्टिवता के साक्ष्य के बारे में, किसके? रेडियो एक्टिवता के साक्ष्य के बारे में ध्यान से देखना है। इसके लिए यहाँ देखा हैनरी बेक्टेल, कौन हैनरी बेक्टेल? कोई बात नहीं, नाम याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हैनरी बेक्टेल, पियरी क्योरी आदि ने स्पष्ट किया, मैं कह सकता हूं इस प्रकार लिख देंगे, आदि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया, अगर यार नाम याद नहीं है तब भी ठीक है, कि आदि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि यूरेनियम, पोटेशियम और थोरियम, ये तो नाम आपको याद करना पड़ेंगे, रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? यूरेनियम, पोटेशियम और थोरियम, आदि भी कह सकते हैं। ठीक है, आदि लिख दो, आदि से शक्ति तथा या ताप कह सकते हैं, ताप विकसित होता है। तो आपको पता है यूरेनियम है, पोटेशियम है, थोरियम है, और आदि रेडियोएक्टिव तत्व जो होते हैं उनसे क्या होता है? ताप मतलब शक्ति विकृत होती है। तो बात करते हैं, जिसको रेडियो एक्टिवता कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात दीर्घकाल तथा रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा भूगर्भ को ताप प्राप्त होता रहा है। किसको? जो भूगर्भ है उसे ताप प्राप्त होता रहा है। रदरफोर्ड ने 1904 में रेडियो एक्टिव तत्वों तथा सेलों की आयु का परिकलन किया। समस्त भूगर्भी यूरेनियम तथा थोरियम पर आधारित प्रारंभिक परिकल्पना विधियों को भूगर्भिक समय का विस्तार कम से कम कितना माना गया? भाई 200 बिलियन वर्ष माना जाता है। कितना? 200 मिलियन वर्ष माना गया है यूरेनियम थोरियम के अनुसार। फिर कह रहा है, सबसे प्राचीन शैल पश्चिमी ग्रीनलैंड में कितना माना गया? भाई पश्चिमी ग्रीनलैंड में माना गया अपना 2900 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है। तो आप डायरेक्ट लिख देना बस एक ही, कितना? 4000, कितना? 4000 बिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है, बस काम खत्म इसमें। ठीक है, अगर जिसके आधार पर पृथ्वी की आयु अनुमान कितना लगाया गया? देखो 4000 बिलियन, 4000 मिलियन वर्ष लगाया जाता है। रेडियोएक्टिव तत्वों की सहायता में कार्बन पृथक्करण तथा यूरेनियम विधि, पोटेशियम विधि का प्रयोग करके पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। बस आपको क्या करना है, रेडियो तत्व किसे कहते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, यूरेनियम, पोटेशियम, थोरियम आदि आदि हो जाएंगे। ठीक है, किसने रदरफोर्ड 1904 में तत्व खोजे थे, है ना, ये आगे हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ। और बाद में क्या लिख देना है, लास्ट में लिख देना है कि इस प्रकार जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी?
400 मिलियन वर्ष आंकी गई है, बना बनाकर बाकी लिख देना, काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। रेडियो के तत्व का साक्ष्य हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाता है तुम्हारा जीव विज्ञान के साथ। अब जीव विज्ञान के साथ किस किसने दिए हैं आपको पता है, लैमार्क हो जाएंगे, विलियम स्मिथ हो जाएंगे, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, है ना। आदि जीव वैज्ञानिकों ने भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जीवावशेष, ठीक है, की सहायता से सैलों की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया है डार्विन ने अपनी पुस्तक, डार्विन की पुस्तक याद कर लेना, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है, डार्विन की है। कह रहा है ये आपको लिख सकता है किसमें, एमसीक्यू में देख सकता है, एमसीक्यू में आपको देख सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सिटीजन किसकी पुस्तक है, तो ये लिख सकता है। बात करते हैं कि कृमि के विकास की व्याख्या की है, इसके अनुसार एक कोश की अमीबा से लेकर मानव विकसित तक के क्रम को 400 बिलियन, ठीक है, बिलियन कहता हूँ, मिलियन है, ठीक है, 400 मिलियन वर्षों का समय लगा है। कितने, 400 मिलियन वर्षों का समय लगा है। विद्वानों के अनुसार शैलों, भूगर्भीय इतिहास पृष्ठों एवं जीवाश्म इनके उसके क्या हैं, अक्षर हैं। फिर रखा है तुम्हारा कुबियर, स्मिथ आदि ने ये बताया, स्पष्ट किया है कि शैलों के जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या है, शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। प्राचीन काल में शैलों में जीवन का सूत्रपात 100 से लेकर 150 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इस आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी आंकी गई है भाई, 200 करोड़ वर्ष मानी गई है। कितने, 200 करोड़ वर्ष यहां पर मानी गई है। अगर जीव विज्ञान की बात करते हैं तब, ठीक है, जो हमारे अमीबा हो जाते हैं, कुछ इनकी चट्टानों पे जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, पहले वाले या और भी कुछ होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है, जिनकी पहली उत्पत्ति हुई होगी, सबसे पहले बने होंगे जीव, उनके अनुसार कितनी आंकी गई है, 200 करोड़ वर्ष आंकी गई है। 200 से 250 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कि 150 से 250 के करीब आंकी गई है, तब भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बनाकर इतना चल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर। देखो टोटल आपको क्या याद होना चाहिए, देखो मैं सब में बता दे रहा हूँ, टोटल आपको क्या याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखा था क्या, सबसे पहले खगोलीय साक्ष्य, मतलब हाइड्रोजन, सूर्य की उत्पत्ति हुई होगी, तो हमें कितना मानना है, तो हमें मानना है 400 करोड़ वर्ष, ठीक है। यहाँ पर देखो 4000 करोड़ वर्ष मानी गई है, ये मानी गई है पहले, मगर खगोल की बात करते हैं तब, तब कितनी मानी गई है, 400। आगे देखो भूवैज्ञानिक की बात करते हैं, इनके द्वारा क्या मानी गई है भाई, ओनली 150, ठीक है। भूवैज्ञानिक जो नमक वगैरह होते हैं समुद्र में लाए जाने, तो पृथ्वी का तो बहुत पहले ही विकास हो गया था, गैसीय अवस्था में थी तब विकास हो गया था, ये तो बाद की बात हुई जब नमक लाया गया, ठीक है, तब कितनी मानी गई, 150 मानी गई, ठीक है। अगले देखें रेडियो एक्टिव तक खोज कब हुई, तो ये रेडियो कब आए होंगे, जब भाई पृथ्वी बन गई होगी और क्रिया वगैरह हुई होंगी, ठीक है, तो वहां पर यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आया होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये कम से कम कितना है, 4000 है, ये 4000 है, ठीक है, फर्स्ट 4000, सेकंड 4000, और जीव विज्ञान बाद में आई होगी, तो मान लेना कि 200 करोड़ वर्ष यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनाकर आपका चल जाएगा। बात करते हैं आगे, अगर याद कर सकते हो तो 3-4 हेडिंग हैं, याद कर सकते हो आराम से, 3-4 हेडिंग है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। बात करते हैं सापेक्ष तिथिकरण, क्या सापेक्ष तिथिकरण के बारे में बात करेंगे। सापेक्ष तिथिकरण की प्रमुख विधियां आपको बताने, निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। सापेक्ष तिथिकरण की प्रमुख विधियां जो है निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, कौन कौन सिद्धांत है, पहले रखा है तुम्हारा अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाता है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार अधिकृत शैलों के क्रम में सबसे पुराना स्तर सबसे नीचे तथा युवा स्तर सबसे ऊपर जमा रहता है। देखा इस प्रकार अवसादी शैलों के क्रमिक स्तरों के सापेक्ष आयु उनके निरपेक्ष के क्रम द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, अवसादी शैलों के द्वारा कह सकते हैं, इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार अगर पृथ्वी की आयु हम आंकेंगे तो अवसादी शैलों के अंतर्गत आंकते हैं। बात करते हैं जैविक अनुक्रमक अनुक्रमण का सिद्धांत, जैविक अनुक्रमण सिद्धांत क्या कह रहा है, इस सिद्धांत की मान्यता को प्राणियों तथा पादपों के जीवाश्मों के समूह भूगर्भीय अभिलेखों में एक सुनिश्चित क्रम में मिलते हैं, जो भूगर्भिक समय के एक युग की पहचान तथा उसके जीवाश्मों की विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। तो कह सकते हैं इसमें जैविक जो अनुक्रमांक जो सिद्धांत तो हो जाता है, उसमें प्राणियों और पादप के अनुसार पृथ्वी का आकलन किया जाता है, और अनुप्रस्थ कटान संबंधी का सिद्धांत, अनुप्रस्थ कटान संबंधों का सिद्धांत इसमें देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो अपने अगण्य अगण्य चट्टाने जो होती हैं, अगण्य अंतर्वेधन, ठीक है, या कह सकते हैं भ्रम उन शैलों की अपेक्षा नवीन होती है जिन्हें वे काटते हैं, अतः घटनाओं का सही क्रम स्थापित करने के लिए
सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना आवश्यक है। तो ये अपना हो जाता है जो अभिसारी सैल वगैरह होते हैं ना, तो उनके अनुसार पृथ्वी का आकलन किया जाता है अनुप्रस्थ कटान संबंधों के सिद्धांत के आधार पर। तो इस प्रकार से हमने तीन सिद्धांत भी देख लिए। पहला देख लिया अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा देख लिया जैविक जैविक अनुक्रमण का सिद्धांत, और तीसरा देख लिया था अनुप्रस्थ कटान संबंधों का सिद्धांत। तो ये पूछ सकता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पृथ्वी से संबंधित है, ठीक है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं तीनों के तीनों। तो सिद्धांत आपको भाई याद होना चाहिए, सिद्धांत क्या है, याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। अच्छे प्रकार से आपने पढ़ा होगा, कुछ इसमें हेडिंग याद करने को दे रखी है, सिर्फ 8-10 उनको याद कर लिया तो समझ लो लाइफ जीगा लाला, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से बनाकर आप लिख सकते हो, और ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिद्धांत को याद कर लेने की हेडिंग, हेडिंग बाकी आप बनाकर लिख सकते हो। जैविक में होगा तो प्राणी पादप आ जाएंगे, अनुप्रस्थ कटान वगैरह होगा तो अगण्य शैले वगैरह और वगैरह आ जाएंगी इसमें, ठीक है। कुछ घटनाएं होंगी जैसे नमक कहाँ क्या समुद्र के अंदर गया, बढ़ गया, ये हो जाएंगी घटनाएं। अध्यारोपण का सिद्धांत किसमें क्या हो जाएगा, ये अभिसारी शैलें वगैरह होती हैं उनके अनुसार यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो बस ये थोड़ा थोड़ा इसमें हिंट हो जाती है, इनको याद कर लेना, बस इतना ही हो जाएगा, और बाकी मैंने बना बना कर जो कहा है वो अपना लिख सकते हो आप, ठीक है। कोई भी इसमें डेट जो दे रखी है कि इतने करोड़ वर्ष, ऐसा कोई भी जो चेकर जो होता है वो काफ़ी चेक करता है, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है कि भाई तुम्हारी इतनी है। और उसमें देखो कोई भी चीज़ है, मत जो है वो सब खराब दे रखे हैं, सारे मत क्या है, कोई भी सही मत नहीं है। तो अपनी तरफ से भी आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस थोड़ा सा हिंट आपको देखिए, देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने का मतलब होता है भी, मैंने टू क्वेश्चन पढ़ा तो हाँ पृथ्वी की उत्पत्ति किस किस से हुई, तो मुझे पता चल गया कि भाई जीवाश्म के अनुसार निकाल सकते हैं, जीव विज्ञान के साक्ष्य के अनुसार निकाल सकते हैं, रेडिएटेड तत्व के अनुसार निकाल सकते हैं, और भूवैज्ञानिक तत्व जैसे अपना हो जाएगा महासागरों में नमक हो गया, अवसाद सैल हो गया, इसको निकाल सकते हैं, खगोलीय जो सांच हो जाएंगे उसके अनुसार हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके अनुसार निकाल सकते हैं, चंद्रमा के अनुसार निकाल सकते हैं। बस इतना हमें याद हो गया कि हाँ इस प्रकार से ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से हमें लिखना है। बस पढ़ने से बस इतना होता है, बाकी कुछ हेडिंग आपको खुद याद करना पड़ती है। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकेंड वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।